तब तो काय के नाम के लिए इंटरव्यू दिया है, किस नाम के लिए इंटरव्यू लिया है? जब इंटरव्यू का कुछ काम अच्छे तरीके से किया ही नहीं तो इंटरव्यू काय को लिया है? पैसा से सबको लेना था इंटरव्यू में, तो घोटाला हुआ शायद, सब जो जो पैसा दिया उसका हुआ है। पैसा किसी का 12,000 लिया है, किसी का 10,000 लिया है, तो श्योर है फिक्स 18,000 ऐसा ही गया है मतलब। सेना में श्रमिक पद पर नियुक्ति में गड़बड़ी का आरोप। असम और अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित रायंग मिलिट्री स्टेशन के अंतर्गत 28वीं पंजाब रेजिमेंट में पिछले 17 और 19 अगस्त को सेना में अस्थायी श्रमिक पद पर भर्ती प्रक्रिया में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया है, जिसमें विभिन्न अंचल के गांव बूढ़ा को भर्ती के दौरान आमंत्रित किया गया था, जिसमें उम्मीदवारों ने सेना के भर्ती अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल ब्रह्मा, रमेश बसुमतारी, राज पेगू नामक 3 मेट कर्मचारियों ने व्यापक पैमाने पर पैसा का लेन देन कर अधिकारियों को मैनेजर कर बगैर परीक्षा दिए कई युवकों का नाम लिस्ट में शामिल किया है। 33 में गया था मैं, सीरियल नंबर जो गेट में गया था ना, तो चेक किया था, डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद ही इंटरव्यू देने को मिलता है। जिसके पास डॉक्यूमेंट कुछ प्रॉब्लम है तो वो इंटरव्यू देने के लिए लायक ही नहीं है, बोला वापस भेज देता है। लेकिन हम लोग तो इंटरव्यू देके पास हुए, लेकिन हम लोग का क्या मैसेज नहीं है, SMS नहीं है, कॉल नहीं है, लेकिन वो लोग बोल रहे दोस्त लोग का आ गया, मतलब वो लोग तो इंटरव्यू में कोई आया है, लेकिन एक दो तो देखा भी था, लेकिन इतना आदमी है हम लोग किसको किसको क्या देखे ना, कोई आया ही नहीं उन लोग इंटरव्यू में, लोग का कैसे हो गया? और होने से भी हम लोग घर में बैठ के उन लोग का हो गया, लेकिन हम लोग फील्ड में 2 बजे से रात को 2 बजे आए, तब क्यों नहीं इंटरव्यू देखे? कुछ फायदा ही नहीं हम लोग का। तब तो काय के नाम के लिए इंटरव्यू दिया है, किस नाम के इंटरव्यू लिया है? जब इंटरव्यू का कुछ काम अच्छे तरीके से किया ही नहीं तो इंटरव्यू काहे को लिया है? पैसा से सबको लेना था, हमको क्यों बुलाया, क्यों नोटिस दिया है? इंटरव्यू में घोटाला हुआ क्या बोला? इंटरव्यू में तो घोटाला हुआ शायद हुआ, लेकिन तब तो हम लोग इंटरव्यू पास हुआ, इंटरव्यू पास होने वाला नाम पहले आना थे, उसके बाद जो भी भाषा हुआ जो इंटरव्यू नहीं उसको मतलब लेना है, जो आदमी कम हुआ तो वापस वो लोग बुला के लेना है, लेकिन हम लोग इंटरव्यू देखिए पास हो भी हम लोग का नाम नहीं है, वही हम लोग का टेंशन है। आप लोग से कोई पैसा मांगा था क्या इंटरव्यू? पैसा तो इंटरव्यू में हम लोग का मांगा नहीं था, इसलिए हम लोग का रिजेक्ट हुआ शायद, लेकिन किसका बन रहा है ऐसा पूछता है फौजी लोग। मैंने जो दिया उसका हुआ, हाँ जो दिया है उसका हुआ है, सही है सब, जो जो पैसा दिया उसका हुआ है। और मैं भी कौन से सुना दोस्त से, पैसा किसी का 12,000 लिया है, किसी का 10,000 लिया है, तो श्योर है फिक्स 18,000 ऐसा ही गया है मतलब, 15,000 ऐसा लिया है, ये श्योर है हम 100% कर बोल गया, वो मेल लोग ही लिया है। अभी किसको बोलेगा? मेल लोग तो 3 है ना, अभी सब ही ले होगा ना, एक को बोलेगा तो हमको ही बोलेगा, तीनों का तीनों, राहुल पेगू और नहीं राहुल देवरी ब्रह्म, उसके बाद राज पेगू और रमेन बसुमतारी, और तीनों का नाम याद है मेरे, सुना भी है, मैं भी थोड़ा ये कॉल करके देखा कि क्या किया हुआ, किसका साथ लिंक लिया है बोल के, हम लोग का तो लिंक नहीं है इसलिए हम लोग का रह गया, लिंक नहीं है इसलिए हम लोग का रह गया। भर्ती में शामिल युवकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी सर्वप्रथम भर्ती प्रक्रिया में कागजातों की जांच करने के बाद शारीरिक जांच किया गया, मगर भर्ती लिस्ट में हमारा नाम नहीं है। साथ ही भर्ती से वंचित उम्मीदवारों ने रायंग मिलिट्री स्टेशन के सम्मुख हमारी मांगे पूरी करो, सेना में भर्ती में गड़बड़ी नहीं चलेगी जैसे नारे लगाकर जमकर नारेबाजी किए। मेहनत का फल चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों ने आरोप लगाते हुए कहा कि भर्ती के दौरान सेना के अधिकारियों ने हम लोगों से पूछताछ करते थे कि आप लोग कौन कौन किसके किसके बंदे हैं, तो हम लोग ने कहा कि हम लोग सीधे भर्ती में शामिल होने हैं और हम लोग किसी के बंदे नहीं। और हम लोग जब इंटरव्यू आता है ना तो किसका बंदा है ऐसे पूछता है फौजी लोग, कैप्टन भी पूछता है किसका बंदा है तू, इसका बोलते हम तो क्या किसका बंदा है मतलब, हम क्या मतलब, मैं अपना से किसका बंदा सकता है, अपना कूड़ा है, मैं अपना पिताजी का बंदा है, मैं किसका बंदा होगा, मैं दलाल लोग बैठा रहा हूं, दलाल लोग बैठा है मतलब किसका बंदा ऐसा पूछता है। उम्मीदवारों ने कहा कि आप किसके बंदे हैं यह बात हमारे गले से नहीं उतरी, जिसका हम लोग पूरी भर्ती प्रक्रिया की जांच करने की मांग करते हैं। इस संवाददाता ने सेना से पंजाब रेजिमेंट के एक पाठक उपाधिधारी अधिकारी से मोबाइल से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि भर्ती के दौरान कुल 400 उम्मीदवार ने हिस्सा लिया था, जिसमें उम्मीदवारों का फिजिकल टेस्ट कागजात के जांच के बाद लिस्ट जारी किया गया है। इस संवाददाता द्वारा राहुल ब्रह्मा, रमेश बसुमतारी, राज पेगू नामक 3 मेट कर्मचारियों के दलाली करने के आरोप के बारे में पूछने पर उन्होंने आरोप को गलत बताया है।
लोग 17 अगस्त में भर्ती होने के लिए आया था रायन मिलिट्री स्टेशन में, तब उस दिन बारिश था और हम लोग को बारिश में लाइन होने के लिए दिया था। कम से कम 3-4 घंटा हम लोग बारिश में खड़ा हुआ था और अंदर में भी 3 घंटा जैसे हम लोग अंदर में बारिश में भीग रहा था। तब हम लोग का इंटरव्यू हो गया, पूरा डॉक्यूमेंट ठीक है बोल के हम लोग का डॉक्यूमेंट भी ले लिया पटर का भर्ती के लिए। तब उस टाइम में हम लोग का जो बड़ा वाला ऑफिसर साहब था, तो वो साहब ने बोला आप लोग को जैसे भी बुलाएगा आप लोग का जो मोबाइल नंबर है आप लोग दे दो और मोबाइल का जरिए आप लोग को बुलाया जाएगा। तब हम लोग को नहीं बुलाया, दो दूसरा बंदा जो ऑडियंस बाहर में था वो लोग को बुलाया गया है। और जब हम लोग अंदर में भर्ती होने के लिए बैठा था, डॉक्यूमेंट लिया था, उस टाइम में 3 बंदा था, मतलब मेड बोलते हैं, मतलब सीनियर था। तो सीनियर लोग भी उधर में भी डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था और हमारे डिफेंस का साहब लोग भी चेक कर रहा था। तब चेक हो गया हम लोग का डॉक्यूमेंट सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आया। तब हम लोग को बुलाया बोल के नहीं आया। तब हम लोग आज यहाँ में आके पूछा तो बोलेगा नोटिस आउट करेगा। तब हम लोग देखा है नोटिस, हम लोग का भर्ती लिया है मिलिट्री स्टेशन में साहब ने, मेट लोग को पास लिस्ट है, ये तो हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अरे हम लोग जहाँ पे भर्ती हो गया वहाँ पे हम लोग को नाम देखना है, हम लोग मेट को पास क्यों जाएंगे। तब उसमें हम लोग को सब बंदा को थोड़ा डाउट हो गया और डाउट होने के बाद हम लोग सब आदमी एकजुट हो गया। हम लोग रायन क्या बोलता है रोक्सिन में गया था जहाँ पे पास बनाता है आपका अरुणाचल का पास बनते हैं, तो हाँ हाँ सी ऑफिस में गया था उस टाइम। वहाँ में वो लोग जो मेयर था उसका नाम क्या था, राज पेगू था। वो तो पूरा बियर पी रहा था अंदर में बैठ के और हम लोग बोला था हम लोग को नहीं आया। वो ये सवाल हम लोग को पूछा आप लोग को नहीं हुआ है, जिसका जिसका हुआ है लिस्ट में नाम है और नाम भी एंटी है, आप लोग को नहीं हुआ है। फिर हम लोग वापस यहाँ में आ गया मिलिट्री कैंप में, अभी आके अगर नहीं हुआ तो हम लोग का डॉक्यूमेंट वापस करना है। हम लोग को डॉक्यूमेंट आज ही चाहिए, इस वक्त चाहिए हम लोग को। अगर हुआ नहीं तो हम लोग डॉक्यूमेंट अंदर में, और ऐसे भी सुना है कि डॉक्यूमेंट उधर ही डस्टबिन में डाल के रखा है। तो हम लोग रिक्वेस्ट करता है सर को पास, यानी डिफेंस सर का पास हम लोग का डॉक्यूमेंट वापस करना है, नहीं तो हम लोग का फिर हम लोग को बुलाना है। अगर नहीं बुलाएगा तो थोड़ा खराब लगेगा मन में, हम इतना तक ही बोलेगा और भी बंदा है हम लोग का पुटर बंदा बहुत है इसमें वो लोग भी। न्यूज़ टेक्स्ट रिपोर्ट, लाइट ऑफ लाइफ।